और राजनाथ सिंह ने ही पलट कर सवाल कर दिया, आखिर यूपी में योगी क्यों नहीं। आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है, मैं हूं राकेश सिंह। राजनाथ सिंह यानी भारतीय राजनीति का एक ऐसा नाम जिनकी सोच और शब्द में कोई विभेद नहीं है। उनका सम्मान अब दलों की दीवारों से ऊपर उठ चुका है। युवावस्था में भौतिक विज्ञान के गूढ़ रहस्यों को राष्ट्रवाद की समझ के साथ संतुलित करने के अभ्यास ने राजनाथ सिंह को इतना प्रखर और निष्ठावान बना दिया है कि किसी भी दल में उनकी बातें बेहद गंभीरता से सुनी जाती हैं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगातार दूसरी बार सांसद राजनाथ सिंह की पैनी नजर देश के प्रतिरक्षा मामलों के साथ पार्टी पर भी है। राजनीति की बारीकियों और चुनावी रणनीति के विविध आयामों पर उनकी सोच का जवाब बड़े बड़े दिग्गजों के पास भी नहीं है। देश के रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभालते हुए किसी प्रदेश की राजनीति पर इतनी साफ निगाह ही साबित करती है कि राजनाथ सिंह का कद क्या है। आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह ने, मतलब मैं, जब उनसे यूपी के आगामी चुनाव और भाजपा की संभावनाओं के बारे में बात की तो उन्होंने बेहद बेबाकी से अपने विचार सामने रखे। बातचीत के दौरान कई बार उनकी वैज्ञानिक सोच और राजनीति को तर्कों दलीलों की कसौटी पर कसने की उनकी कुशलता परिलक्षित हुई। बातचीत सुनाने से पहले सबसे पहले जानते हैं कौन है राजनाथ सिंह। भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसे कम ही लोग हुए हैं जिन्हें दलों की दीवारों में बांधा नहीं जा सकता। राजनाथ सिंह ऐसे ही नेता हैं जिनका सम्मान दलों तक ही सीमित नहीं है। भौतिक विज्ञान के प्राध्यापक रहे राजनाथ सिंह की खासियत ये है कि उनके भीतर और बाहर में कोई विभेद नहीं है। वह साफ सुथरी राजनीति करते हैं और आज भी राजनीति को जनसेवा का माध्यम ही मानते हैं। उनकी सोच वैज्ञानिक तर्कों पर आधारित होती है, इसलिए उनकी बातों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। 10 जुलाई 1951 को उत्तर प्रदेश के चिंचौली जिले के भभोरा में एक किसान के घर पैदा हुए राजनाथ सिंह महज 13 साल की आयु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। स्कूल और कॉलेज में वो संघ की शाखाओं में नियमित जाते रहे और भौतिक विज्ञान के गूढ़ रहस्य भी उन्हें उनकी सोच से डिगा नहीं सके। प्रथम श्रेणी में एमएससी पास करने के बाद वो मिर्जापुर में भौतिकी के प्राध्यापक बने, लेकिन जल्दी ही नौकरी से उनका मोह भंग हो गया। वो भाजपा के युवा स्कंध के और बाद में भाजपा की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष भी रहे। वो वर्ष 1972 में मिर्जापुर के शाखा कार्यवाह महासचिव भी बने। 1969 और 1971 के बीच वो गोरखपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन सचिव रहे। 1974 में माथे पर एक चमकदार लाल तिलक के साथ उन्हें भारतीय जनसंघ का सचिव नियुक्त किया गया। 1975 में 24 वर्ष की आयु में राजनाथ सिंह को जनसंघ का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 1977 में वो मिर्जापुर से विधानसभा के सदस्य चुने गए। उस समय वो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से प्रभावित थे और जनता पार्टी में शामिल हो गए। आपातकाल में उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था और वो 2 साल तक जेल में रहे। 1980 में वो भाजपा में शामिल हो गए और पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वो 1984 में भाजपा युवा इकाई के राज्य अध्यक्ष, 1986 में राष्ट्रीय महासचिव और 1988 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उन्हें उत्तर प्रदेश विधान परिषद में भी चुना गया था। 1991 में जब भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पहली बार अपनी सरकार बनाई तो राजनाथ सिंह को शिक्षा मंत्री बनाया गया। इस दौरान उन्होंने एंटी कॉपिंग एक्ट 1992 लागू किया। उन्होंने विज्ञान ग्रंथों का आधुनिकीकरण कराया और वैदिक गणित को पाठ्यक्रम में शामिल किया। अप्रैल 1984 में उन्हें राज्यसभा में चुना गया और वो कई सलाहकार समितियों में रहे। 25 मार्च 1997 को
वो उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बने और 1999 में वो अटल बिहारी वाजपेयी कैबिनेट में भूतल परिवहन मंत्री बने। अगले ही साल वो यूपी के मुख्यमंत्री बनाए गए और करीब 2 साल तक इस पद पर रहे। राजनाथ सिंह 2 बार पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इससे पहले ये उपलब्धि केवल अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के पास ही थी। वो 31 दिसंबर 2005 को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और 19 दिसंबर 2009 तक इस पद पर रहे। मई 2009 में वो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सांसद चुने गए। दूसरी बार 23 जनवरी 2013 से 9 जुलाई 2014 तक उन्होंने पार्टी की कमान संभाली। 2014 के आम चुनाव में पार्टी की शानदार जीत के बाद राजनाथ सिंह ने गृह मंत्री का पद संभालने के लिए पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 2014 का लोकसभा चुनाव लखनऊ सीट से जीता। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दूसरी बार बनी सरकार में वो रक्षा मंत्री बने। आइए अब इंटरव्यू की बातें शुरू करते हैं। जब मैंने देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह से सवाल किया, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ही क्यों, उन्होंने जवाब के अंदाज में उलट सवाल किया, आखिर क्यों नहीं। जब से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, लग रहा है शासन काम कर रहा है। जनता का क्या प्रताप है ये आपको दिखेगा। आप महसूस करेंगे कि कभी आतंकियों माफियाओं के उत्पात से कर्राह रहा प्रदेश अब खुली हवा में सांस ले रहा है। सच कहा जाए तो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में आतंक कांप रहा है। अपराधियों को ये एहसास हो गया है कि बुरे काम का नतीजा क्या होता है। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में अपराध चरम पर था, हर तरफ दंगा, बलात्कार, लूट, डकैती, छिनतई। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ ने अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, तब से अपराधियों माफियाओं का नया ठिकाना जेल हो गया है, या फिर वे अपराध की दुनिया से तौबा कर कहीं दुबक कर बैठ गए हैं। एक वक्त था जब राज्य में लॉ एंड ऑर्डर का जनाजा निकल गया था। बातचीत में रक्षा मंत्री 2005 में गाजीपुर जिले के करमुद्दीनपुर थाना अंतर्गत भाजपा विधायक कृष्णानंद रॉय की माफियाओं द्वारा की गई हत्या को याद करते हैं। वो कहते हैं, माफियाओं ने कृष्णानंद रॉय को उनके ही गांव क्षेत्र बसनिया चट्टी में किस कदर जुल्म ढाया था। एक विधायक पर AK-47 से 500 राउंड फायरिंग सुनकर हम सभी अवाक रह गए थे। यहाँ उल्लेख करना जरूरी है कि उस हत्या के बाद माफियाओं के खिलाफ आंदोलन की कमान खुद राजनाथ सिंह ने संभाली थी। वो कृष्णानंद रॉय के गांव तक गए थे परिजनों के आंसू पोंछने, और उस क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं को उन्होंने ये विश्वास दिलाने में कामयाबी हासिल की कि इस लड़ाई में वो पग पग पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ हैं। वो कहते हैं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी वाराणसी गए थे, उन्होंने वहां से न्याय यात्रा को रवाना किया था। श्रद्धेय अटल जी ने कहा था, माफियाओं के खिलाफ अब निर्णायक जंग होगी, यहाँ हत्याओं का तांता लग गया है, उत्तर प्रदेश में जंगल राज हो गया है, जान की कोई कीमत नहीं रह गई है, ये सरकार रहेगी तो हत्याएं होती रहेंगी, अब परिवर्तन का समय आ गया है। कृष्णानंद रॉय की हत्या के बाद राजनाथ सिंह वाराणसी जिला मुख्यालय में आमरण अनशन पर बैठ गए थे। इस घटना को याद करते वो कहते हैं, उस दरमियान अपराधियों माफियाओं का रुतबा इस कदर बढ़ गया था कि वे शासन के कार्यक्रमों में मेहमान की तरह सम्मान पा रहे थे, पुलिस उनको सल्यूट कर रही थी। कोई अधिकारी अगर उनके गलत कामों के खिलाफ तनकर खड़ा होता था या अपना काम ईमानदारी से करता था तो इनाम के नाम पर उसे सस्पेंशन लेटर थमा दिया जाता था या फिर उसका अन्यत्र तबादला कर दिया जाता था। अगर कोई अधिकारी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करता था तो उसका जीवन नर्क बना दिया जाता था। तंग आकर कई अधिकारियों ने तो नौकरी भी छोड़ दी थी। अपराधियों ने व्यवसायियों पर जो जुल्म ढाया वो किसी से छिपा नहीं है, फिरौती के नाम पर मोटी रकम दो नहीं तो गोली। कई व्यापारी राज्य छोड़ पलायन कर गए। हद तो तब होने लगी जब अमीरों के साथ साथ गरीबों की भी जमीनों पर कब्जा होने लगा। इसी बीच 2014 में केंद्र में सत्ता परिवर्तन हो गया, माननीय नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बने।
बता दें कि उस कार्यकाल में राजनाथ सिंह के हाथ गृह मंत्री की कमान थमाई गई और वहीं से उत्तर प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास पनपने लगा। परिणाम देखने को मिला। 2017 में उत्तर प्रदेश में कुशासन का अंत हो गया। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। फिर केंद्र के सहयोग से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ निर्णायक जंग छेड़ दी। शुरू में तो लगा था कि इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन शासन के अटल निश्चय ने माफियाओं का हौसला पस्त कर दिया और योगी आदित्यनाथ की सरकार में आज लॉ एंड ऑर्डर फिर से जी उठा है। उसी का नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त, माफिया मुक्त, भू माफिया मुक्त है। आज उत्तर प्रदेश में माता बहनें बच्चियां सुरक्षित हैं। अब हर तरफ विकास की बात हो रही है। विकास का कार्य धरातल पर दिख भी रहा है। यहाँ ये उल्लेख करना प्रासंगिक है कि अब तक उत्तर प्रदेश के 25 चिन्हित कुख्यात माफियाओं और उनके सहयोगियों की लगभग 702 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं। पुलिस ने चिन्हित 25 कुख्यात माफियाओं, उनके परिजनों और सहयोगियों के 250 से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। योगी सरकार के 4 साल से अधिक के कार्यकाल में गैंगस्टर एक्ट के तहत 1584 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्तियां जब्त की गई हैं। बहुत सारे अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने ये घोषणा कर दी है कि जो अवैध निर्माण बच गए हैं उनमें अब गरीबों का बसेरा होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, उत्तर प्रदेश में करप्शन पर लगाम लगी है। आज सरकारी दफ्तरों का ऐसा माहौल है जहाँ अधिकारी समय पर ऑफिस आ रहे हैं, अपने कर्तव्यों को बखूबी समझ रहे हैं। जो फाइलें ऑफिस में धूल फांका करती थी, आज वे एक्शन मोड में हैं। केंद्र के सहयोग से उत्तर प्रदेश में काम सिर्फ बोल नहीं रहा, धरातल पर दिख भी रहा है। दोनों आंखों से साफ नजर आ रहा है। वहां देखा जा सकता है कि डबल इंजन की सरकार होने से जनता को क्या कुछ हासिल होता है। राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के कोरोना काल की याद करते हैं, कहते हैं, कोरोना की दूसरी लहर बहुत ही खतरनाक थी, लेकिन जिस तरीके से केंद्र की मदद और सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार ने उस कालखंड में परफॉर्म किया वो बेमिसाल है। योगी खुद कोरोना संक्रमित हो गए थे, लेकिन 8 दिन तक आइसोलेट होने के बावजूद उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से काम किया, अधिकारियों को सही दिशा निर्देश देते रहे। आप समझ सकते हैं, जो मुख्यमंत्री कोरोना काल में मरीजों का हाल जानने खुद अस्पतालों के चक्कर लगा रहा हो, गांव-गांव घर जाकर खुद लोगों से मिल उनकी सहायता कर रहा हो और खुद कोरोना की चपेट में आने के बाद भी काम कर रहा हो, ये सिर्फ भाजपा का सिपाही ही कर सकता है। उनके इस दौरे का असर भी दिखा। उनके मैदान में उतरते ही उत्तर प्रदेश के अस्पतालों की कार्यशैली बदल गई। शासन प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग गांव-गांव में नजर आने लगा। राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता ने अपनी पूरी क्षमता के साथ कोरोना से दो दो हाथ किए। राजनाथ सिंह ने कहा कि सबसे बड़ी बात जो मेरे दिल को छू गई वो ये कि जिन बच्चों के अभिभावक इस दुनिया में नहीं हैं, उनका भी जिम्मा योगी आदित्यनाथ जी ने उठा लिया है। वो काबिले तारीफ है। जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में टीकाकरण का काम हुआ वो अद्भुत है। राजनाथ सिंह प्रसंगवश ये उल्लेख करना जरूरी है कि जब योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव हो गए थे उस समय उन्होंने एक ट्वीट किया था बतौर योगी। शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने कोविड की जांच कराई और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूं और चिकित्सकों के परामर्श का पूर्णतः पालन कर रहा हूं। मैं सभी कार्य वर्चुअली संपादित कर रहा हूं। प्रदेश सरकार की सभी गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित होंगी। जब योगी आदित्यनाथ ने ये ट्वीट किया तब उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की आबादी कोरोना की दूसरी लहर से लड़ रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद फ्रंट से लीड कर रहे थे। वो अस्पतालों की व्यवस्था देखने खुद ही पहुंच रहे थे, मरीजों से संपर्क साध रहे थे, उनका हौसला बढ़ा रहे थे। योगी खुद कई बार प्रोटोकॉल तोड़ कोरोना मरीजों से मिलने, उनका हाल चाल लेने उत्तर प्रदेश के गांवों और टोलों में पहुंच रहे थे, कोरोना किट के बारे में पूछ रहे थे कि मिली या नहीं। तभी 14 अप्रैल को योगी आदित्यनाथ खुद कोरोना की चपेट में आ गए। एक राजा जो अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए दिन रात एक किए हुए था, उसे अब एक कमरे में बंद होना था। उस समर्पित राजा की मनोदशा समझी जा सकती है जो एक योगी भी है।
उसे अपनी चिंता क्या होगी जो कोरोना के प्रचंड कहर में घर से बाहर अपनी जनता के बीच था। योगी 8 दिन के लिए आइसोलेट हो गए, लेकिन इस दौरान कोरोना पर प्रहार योगी सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता के समर्थन द्वारा और तीव्र हुआ। योगी ने घर से ही मोर्चा संभाल लिया। 8 दिनों में कोरोना को मात देकर योगी फिर से घर की दहलीज से बाहर निकले। उसके बाद तो उन्होंने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की 18 कमिश्नरी का दौरा किया, उसने प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग और शासन प्रशासन को साफ संदेश दे दिया कि उन्हें सेवक की भूमिका में आना ही पड़ेगा। थोड़ी सी भी लापरवाही या चूक किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दरअसल उत्तर प्रदेश की लड़ाई एक अदृश्य दुश्मन से होनी थी और सामने थे 24 करोड़ हाड़ मांस के इंसान। राजनाथ सिंह कहते हैं, जिस प्रकार से योगी और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में टीकाकरण का काम हुआ वो अद्भुत है। शुरुआत के दिनों में विपक्ष ने टीके के प्रति जो अंधविश्वास फैलाया वो आग में घी डालने जैसा था। टीका का ये कहकर उपहास उड़ाया गया, भ्रम फैलाया गया कि मोदी का टीका है, ये भाजपा का टीका है, इसे किसी भी हाल में मत लो। यहाँ तक भ्रम फैलाया गया कि टीका लेने से इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। दरअसल विपक्ष को विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि आज का नया भारत खुद महामारी से लड़ने के लिए टीका बना सकता है। आज का नया भारत स्वाभिमानी भारत है। हमारे साइंटिस्ट दुनिया के साइंटिस्टों से बहुत मायनों में आगे हैं। हम टीका मांगेंगे नहीं, दूसरे देशों की मदद करेंगे। आज के नए भारत में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में स्वदेशी टीके का निर्माण हुआ, जो हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों की काबिलियत को दर्शाता है। नरेंद्र मोदी ने देश के डॉक्टरों वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा जताया, उन्हें रिसर्च करने की पूरी छूट दी और इसी भरोसे का नतीजा है कि आज भारत के पास 2-2 स्वदेशी वैक्सीन हैं। आज टीकाकरण में भी उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में अभी तक लगभग 8 करोड़ वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है। आपको बता दें कि एग्रेसिव ट्रेसिंग, टेस्टिंग और त्वरित ट्रीटमेंट की नीति के साथ साथ तेज टीकाकरण की नीति से उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण आज नियंत्रित स्थिति में है। टेस्टिंग और टीकाकरण में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष पायदान पर है। केवल अगस्त महीने में 2,47,00,000 लोगों ने टीका कवर प्राप्त किया है। इसी प्रकार अब तक लगभग 8 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में रोजगार। राजनाथ सिंह कहते हैं, मोदी और योगी परमात्मा की बनाई अद्भुत जोड़ी है। बातचीत में वो कहते हैं, आज उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी कंपनियां निवेश करने को आतुर हैं। खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने विंध्यवासिनी क्षेत्र के दौरे में कहा था कि करीब 3,50,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है। राजनाथ सिंह कहते हैं, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज विकास पथ पर तेजी से दौड़ रहा है। आपको बता दें कि अभी 31 अगस्त 2021 मंगलवार को राजनाथ सिंह लखनऊ दौरे पर थे। रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह ने लखनऊ को चौक फ्लाईओवर समेत 1710 करोड़ की सौगात दी। राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को 1710 करोड़ रुपए की लोक निर्माण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्मार्ट सिटी मिशन, सेतु निगम और सिंचाई समेत 9 विभागों की 180 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। राजनाथ ने कहा कि जब मैं अपने संसदीय क्षेत्र में आता हूँ तब मैं सेवक के रूप में आता हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लखनऊ को जो विशेष तवज्जो मिली है मैं उसका अनुभव कर रहा हूँ। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहना चाहूँगा, लखनऊ के लिए हमारा सपना है कि यातायात के नजरिए से ये एक सुगम शहर बन जाए। राजनाथ सिंह ने कहा कि पहले कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यूपी में ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी। मैंने अनुमान नहीं लगाया था कि कितने लोगों को इससे रोजगार प्राप्त होगा, लेकिन मुख्यमंत्री ने हिसाब किताब कर मुझे बता दिया कि 5,000 से अधिक लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। राजनाथ सिंह कहते हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं होते तो वो अपने निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ में इतना विकास नहीं कर पाते। राजनाथ सिंह ने कहा, उनका सपना है कि लखनऊ नंबर 1 शहर बने। लखनऊ के विकास के लिए ही वहाँ की जनता ने हमें सेवक के रूप में चुना है और मैं जनता का सेवक ही बना रहना चाहता हूँ। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। धन्यवाद।